नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, आज फिर से एक और SBI PO 2019 का रीजनिंग का सेशन लेकर आया हूं। ये जो सीरीज है, इसमें मैं आपके लिए नए पैटर्न के, डिफरेंट पैटर्न के, अलग टाइप के सवाल लाता हूं। जो टिपिकल स्टैंडर्ड टाइप है, वो सवाल हम इस सेशन में नहीं करते, इन सीरीज में नहीं करते। पहला सेशन जो था, उसके अंदर हमने वर्टिकल अरेंजमेंट में अननोन नंबर ऑफ पर्सन का एक सेट किया था। ठीक है, जनरली आप अननोन नंबर ऑफ पर्सन किस में देखते हैं? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं कि लीनियर एक रो है जो सबके सब नॉर्थ फेसिंग है या सबके सब साउथ फेसिंग है, और उनके नंबर ऑफ पर्सन हमें पता नहीं और आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो उसमें वर्टिकल वाला हमने कर लिया, क्योंकि वर्टिकल जनरली नहीं आपको देखने को मिलता। आज हम उसी के अंडर करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के सवाल। प्री में मे बी नॉट, बट मेंस में अच्छे चांस है कि आप इस तरह के सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसी सीरीज की ये सेकेंड सेशन है। पहला सेशन आपने नहीं देखा है तो पहला सेशन भी इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम मैं आपको पहले ही बता देता हूं, टाइम आपको 4 से 5 मिनट का आपको खुद को समय देने की जरूरत है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत है। करने के बाद प्ले बटन दबा के मेरा भी सोल्यूशन जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल आपके सामने आने वाला है। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है। पॉज करके 4 से 5 मिनट का खुद को समय दीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम सोल्यूशन देखेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में। 10 पीपल, और 10 लोगों का नाम दिया गया है, वर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो 10 लोग हैं जो एक सर्कल में बैठे हुए हैं और सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सम ऑफ द चेयर्स आर फिल्ड वाइल सम आर वेकेंट। कुछ चेयर क्या है, भरी हुई है लोगों से, और कुछ चेयर क्या है, खाली है। तो चलिए, कुछ भरी हुई है और कुछ क्या है, फिल्ड है बाई दीज पीपल। अब क्या करें, सबसे पहले अरेंजमेंट बना देते हैं। तो सर्कल थोड़ा अजीब बना है, फिर भी कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। टी वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ पी। टी क्या है, वी से, तो वी को मैं एक बार यहां पर सेट करा रहा हूं। थर्ड लेफ्ट है, एक दो और तीन, थर्ड लेफ्ट है आपका टी और थर्ड राइट ऑफ पी। और जो ये टी है वो पी से थर्ड राइट पे है, पी से थर्ड राइट पे। तो एक दो तीन, यहां पर आ जाएगा आपका पी आ जाएगा। तो ये तो आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़े। पी एंड डब्ल्यू वर सीटेड एट अ गैप ऑफ 1 चेयर। टी वॉज नॉट सीटेड नेबरिंग डब्ल्यू। तो ये दो इंफॉर्मेशन को एक साथ क्लब करके, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ना, जैसे इंफॉर्मेशन अगर आपके पास इंटरकनेक्टेड आ जाती है, तो दो दो इंफॉर्मेशन या तीन तीन इंफॉर्मेशन एक साथ यूज कर लीजिए। उससे होगा क्या, आपको मल्टीपल केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जनरली। तो पी और डब्ल्यू के बीच में एक गैप का चेयर है, तो पी वाला गैप इस तरफ भी आ सकता था और उस तरफ भी जा सकता था। अब नेक्स्ट वाली लाइन क्या था, टी वॉज नॉट सीटेड नेबरिंग डब्ल्यू। टी के पास डब्ल्यू नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता तो इसका मतलब ये वाली इस तरफ आने के तो चांस खत्म हो गए, इसका मतलब उस तरफ ही बैठेगा। तो एक का गैप दीजिए और यहां पे बिठा दीजिए, किसको, डब्ल्यू को बिठा दीजिए। चलिए आगे बढ़े। 8 चेयर्स वर देयर बिटवीन वाई एंड एक्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वाई। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपने मिस कर दी, वाई वाज नेबरिंग पी। वाई क्या है, पी का नेबर है, और वाई और एक्स के बीच में 8 चेयर्स है अगर आप वाई के लेफ्ट से काउंट करें। तो अब यहां पर दो केसेस सामने बन सकते हैं। कौन कौन से दो केसेस अभी देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। पहले एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। दो, यहां पर आ गया आपका पी, एक गैप के साथ आ गया डब्ल्यू। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वाई पी का नेबर है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो दो केसेस ले लेंगे, दो केसेस ले लेंगे। सबसे पहले वाले केस में क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं वाई को, इसमें वाई को यहां ले लेते हैं। अब 8 का गैप है तो लेफ्ट इस तरफ ही रहेगा वाई का। तो एक दो तीन, एक दो तीन, चार पांच छ सात और 8, और यहां पर क्या आ गया आपका, एक्स आ गया। अब इसके बाद आगे क्या बोला हुआ है,
एक्स वॉज सीटेड एट अ गैप ऑफ टू चेयर्स फ्रॉम वी। एक्स कहां पर है, कितने गैप पे है, दो चेयर के गैप पर है, तो एक और दो, दो चेयर का गैप भी आ गया। ठीक है, ये तो हो गया इसका। इसी तरीके से इसमें भी सेट करते हैं, इस बार वाई को कहां, यहां पर इस वाले पॉइंट पे बिठाते हैं। ठीक है, ये भी नेबर ही हुआ। आठ का डिफरेंस है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, और यहां पर आ गया एक्स। एक्स और वी के अंदर कितने का, दो चेयर का गैप बताया, तो एक दो, दो चेयर का गैप भी बना लिया। ठीक है, आगे बढ़े। यू वॉज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अब ना हमारे पास अभी तक यू है ना आर है, तो अभी इस इंफॉर्मेशन को आप होल्ड पे रखिए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ चेयर्स बिटवीन एस एंड एक्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एक्स वॉज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स बिटवीन क्यू एंड वाई व्हेन काउंटेड। अब चलिए, ना हमारे पास क्यू है अभी तक आया, ना हमारे पास एक्स अभी तक आया, तो इस इंफॉर्मेशन को भी होल्ड पे रखिए। आगे बढ़ते हैं। आर वॉज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। आर कहां पर था, एक्स के इमीडिएट लेफ्ट पे, तो आर आ जाएगा आपका इमीडिएट लेफ्ट पे। तो दोनों केसेस में बना दिया, बिल्कुल बना दिया। एस हैड नो इमीडिएट नेबर्स। एस के कोई भी इमीडिएट नेबर नहीं है, एक्स के कोई भी इमीडिएट नेबर नहीं है। और ऊपर वाली ये दो इंफॉर्मेशन हमने और होल्ड पे रख रखी थी, अच्छे से देखे तो यू वॉज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ आर। सबसे पहले ये यूज कर लीजिए, तो आर सेंटर की तरफ है, थर्ड टू द राइट, एक दो तीन यहां पर आ गया यू, एक दो तीन यहां पर आ गया आपका यू आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने ये वाली इंफॉर्मेशन भी मिस कर रखी थी। नंबर ऑफ चेयर्स बिटवीन एस एंड एक्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एक्स। राइट ऑफ एक्स मतलब यहां से काउंट करते हुए नंबर ऑफ चेयर्स एस और एक्स के बीच में उतनी है जितनी क्यू और वाई के बीच में है। ठीक है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वाई, मतलब जब वाई के लेफ्ट से काउंट करें, वाई के तो लेफ्ट से काउंट करेंगे और एक्स के राइट से काउंट करेंगे। वाई और क्यू के बीच में उतना ही गैप है जितना एस और एक्स के बीच में। और एस के बारे में एक और बात बता रखी है कि एस के कोई भी इमीडिएट नेबर नहीं है। तो केस वन में देख लेते हैं सर, इस तरफ से जाते हुए ऐसे कौन सा पॉइंट है जहां पर कोई भी नेबर नहीं है। सर ये वाला पॉइंट है, आसपास कोई भी नेबर नहीं है, तो एस हो जाएगा यहां पर। एस यहां पर हो जाता है तो गैप कितना हुआ है, एक दो तीन का गैप है, वही गैप वाई और क्यू के बीच में होना चाहिए, तो एक दो तीन क्यू कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। पर सर अगर क्यू यहां पर आ गया तो ये वाली जो लाइन थी, जो फाइनल आपकी कंडीशन थी कि एस हैड नो इमीडिएट नेबर्स, ये बात यहां पे गलत हो जाएगी, क्योंकि एस का तो अब नेबर आ गया ना, क्यू आ गया, तो केस वन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब चलिए यही चीज इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें कई प्लेसेस है जहां पर आप एस को प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। कौन सी वाली, कि एस का कोई भी इमीडिएट नेबर नहीं है। तो सबसे पहला केस तो एस का, एस यहां पर बैठ सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक दो तीन, तीन का गैप आया वाई से देखते, एक दो तीन का गैप आया क्यू आ गया यहां पर। पर सर सॉरी, पर सर यहां तो बैठ ही नहीं सकता, अगर क्यू को आपने यहां बिठा दिया तो फिर एस का नेबर बन जाएगा क्यू, बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा है, इसका मतलब एस यहां पर नहीं बैठेगा। एस यहां नहीं बैठेगा तो एस के लिए यहां ट्राई कर लेते हैं। एस को अगर आप यहां बिठाए तो कितने का गैप आ जा रहा है, एक दो तीन का गैप आ रहा है, तो वाई और क्यू का भी तीन का ही गैप आएगा, एक दो तीन। अब सर क्यू भी फिर यहीं बैठ जाएगा, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही जगह पे दो दो पर्सन बैठे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एस कहाँ बैठेगा, एस को हम यहां बैठाएंगे। अब गैप कितने का देखिए, एक दो तीन चार पांच, पांच जगहों का गैप है, तो इसमें भी देख लेते, एक दो तीन चार पांच, यहां पर क्या आ गया आपका, क्यू आ चुका है, आ गया नहीं आ गया। अब एस और क्यू दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी पास नहीं है, इमीजिएट एस का कोई इमीजिएट नेबर भी नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ये आपका फाइनल केस इस तरह बन जाएगा क्या, कि यहां पर एस आ गया, यहां पर क्यू आ गया, एक्स के राइट से जो देखें और वाई के लेफ्ट से जो देखे काउंट करें तो सेम ही आ रहा है, वाई और क्यू में और एक्स और एस में, तो ये आपका फाइनल केस बन जाएगा जो ये सेकेंड केस मैंने आपके लिए बनाया। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है जितना था हमें, फिर अब इस पे बेस्ड आपसे पांच के लगभग सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मीडियम लेवल का पजल था, पर थोड़ा सा अलग टाइप था। जनरली आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में नो नंबर ऑफ पर्सन देखने को नहीं मिलते हैं,
और क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते और पेपर में अगर ये पूछा जाता है तो आप घबरा जाते हैं। ऑल दो लेवल कम बहुत ज्यादा नहीं रहता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के सवाल आप सॉल्व कर पाते, पर क्योंकि अनसर्टेन पैटर्न के कारण, नए पैटर्न के कारण आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं और अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सवाल मैं लेकर आया था। आई होप आप टाइम में इसे सॉल्व कर पाए। इसी तरह के और भी सेशन फ्यूचर में आते रहेंगे। ये सेशन नंबर सेकेंड था SBIPO 2019 के नाम से, ठीक है? तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करते रहिएगा। इस नाम की प्लेलिस्ट भी आपको अब मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका ये दूसरा सेशंस था। जैसे जैसे सेशंस बढ़ते रहे, वैसे वैसे आप उन वीडियोस को फॉलो करते रहे और आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेटर होती रहे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।